कोल ब्लॉक के कारण विस्थापित हो रहे लोगों की समस्याओं और उनके मुआवजे को लेकर एमपी के उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला को ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद हमेशा की तरह विस्थापितों को उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। सिंगरौली में उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला ने वरिष्ठ समाज सेवी घनश्याम पाठक से मुलाकात कर बंधा कोल ब्लॉक के संबंध में बात की। पाठक ने मंत्री शुक्ला को बताया कि विस्थापितों को लेकर भू अर्जन एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, यहाँ कंपनी एक्ट चल रहा है। ईएमआईएल बंधा कोल ब्लॉक के नाम से अधिग्रहण कर मनमानी कर रही है। कंपनी मनमाना मुआवजा बना रही है जो गलत है, यह मुआवजा बहुत कम है। इस पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इस जिले में एनटीपीसी सहित कई क्षेत्रों में लोग कई बार विस्थापित होकर आए हैं, यह विस्थापन का जिला है, विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बंधा विस्थापित के लोग हमसे मिले थे और उन लोगों ने हमें बताया कि कंपनी वाले हम लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं और आज माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी आ रहे हैं, तो आप उनसे सामने हमारे लोगों की बात रखी। इसी तारतम्य में कल जब उधर सिंगरौली निकल रहे थे तो देवसर में हम उनसे मिले और वहाँ की समस्याओं के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हमने बताया और बड़े ध्यान से सुने और उनने कहा कि मैं जैसे ही बैठन जाऊँगा तो कलेक्टर से इस संबंध में बात करके और उनसे कहूँगा कि ऐसा कोई काम आप लोग न करिए जिससे कि विस्थापितों का अहित हो। इसी के संबंध में हमने उनसे ज्ञापन दिया। तो लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी है, कम्युनिकेशन गैप को दूर करके बातचीत करके और रास्ता निकालने के लिए मैंने भी मंच से बोला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।